आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। शासकीय महाविद्यालय पानसेमल में विजय हुए सरपंच प्रत्याशी एवं जनपद सदस्य के उम्मीदवारों को वितरित किए प्रमाण पत्र। जन प्रतिनिधियों ने रखे अपने विचार। खेतिया पानसेमल जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले 39 पंचायतों में हुए त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दौरान 188 सरपंच पद के उम्मीदवार, 202 पंच पद के उम्मीदवार, 51 उम्मीदवार जनपद पंचायत सदस्य और 3 जिला जनपद पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों ने भाग लिया था। निर्वाचन के दौरान पंच, सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य के पदों पर उम्मीदवारों को मिले मतों की गणना कर आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई। इस दौरान 39 पंचायतों के उम्मीदवार अथवा अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्त किए प्रतिनिधि शामिल रहे। रिटर्निंग अधिकारी राकेश ससस्तिया, एसडीएम पानसेमल अंशु जावला, सहायक रिटर्निंग अधिकारी हुकम सिंह निकवाल, जनपद पंचायत सीओ वीएश मोजालदा, थाना प्रभारी लखन सिंह बघेल सहित अन्य कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। मतगणना सारणीकरण के दौरान 39 पंचायत के सरपंच, पंच, जनपद पंचायत के 14 सदस्यों को निर्वाचन प्रमाण पत्र दिए गए। वहीं जिला पंचायत बड़वानी के वार्ड 14 का भी सारणीकरण किया गया, जिसमें परिणाम समक्ष आया। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने पत्रकारों के समक्ष अपने विचार रखते हुए क्षेत्र के विकास करने और जन समस्याओं को दूर करने की बात कही। खेतिया पानसेमल से राजेश नाहर की रिपोर्ट। आज जैसा कि सारणीकरण सुबह से चल रहा था, 202 पंच वार्ड के लिए आज टेबलेशन हुआ है। 39 सरपंच, 14 जनपद और 1 जिला। इस तरह से सुबह से जो प्रारंभ हुई सारणीकरण लगभग पूर्ण हो चुकी है। सभी जितने भी विजयी उम्मीदवार हैं उनको प्रमाण पत्र यहाँ से हमारे द्वारा वितरित किए गए। ये तो सबसे पहले मोर्टलाइज बड़गोन और निसरपुर जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर जो भरोसा जताया है उसके ऊपर मैं खरा उतरूंगा और जो भी समस्या रहेंगी गरीबों की उसके ऊपर मैं पूरा काम करूंगा। जनता का ज़्यादा काम रहता है, राशन वगैरह और मूलभूत उनका पीएम आवास वगैरह जो भी लोग छूटे हैं उनको पूरा सहयोग करेंगे और जो भी बिजली पानी सड़क जो भी काम रहेगा उनके लिए गरीबों के ऊपर पूरा पूरा ध्यान दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? कौन से वार्ड से लड़े थे? वार्ड क्रमांक 14। कार्यों को लेकर क्या? कार्यों को लेकर सबका साथ सबका विकास जो चल रहे हो वो करेंगे, गरीबों का जो भी है जो योजना चल रही है वो करेंगे। चलो, जीत की बहुत बहुत बधाई आपको।